किसी भी नौकरी के लिए इंटरव्यू सबसे मुश्किल स्टेज मानी जाती है। यूपीएससी एग्जाम में इंटरव्यू काफी अहम होता है। कई बार इंटरव्यूअर कैंडिडेट्स की हाजिर जवाबी और आईक्यू को चेक करने के लिए ट्रिकी सवाल भी पूछ लेते हैं, जिसे सुनकर इंटरव्यू देने आए कैंडिडेट्स चकरा जाते हैं। अक्सर ऐसे सवाल किए जाते हैं कि इंटरव्यू देने वाला इंसान भड़क जाए। लेकिन इस इंटरव्यू को लेने का मकसद आपकी मानसिक स्थिति को परखना होता है कि किसी भी मुश्किल स्थिति में आप किस तरह से वहां की सिचुएशन को हैंडल कर पाते हैं। तो आइए जानते हैं आईएएस परीक्षा के दौरान पूछे जाने वाले कुछ अजीब सवालों के बारे में। सवाल नंबर एक, लड़की सारे कपड़े कब उतारती है? कई लोग इस सवाल को सुनकर कुछ और ही सोचने लगेंगे और शर्म के मारे जवाब नहीं देंगे। लेकिन इसका जवाब है कि एक लड़की अपने सारे कपड़े तभी उतारती है जब तार पर फैले सारे कपड़े सूख जाएं। सवाल नंबर दो, एक लड़की से, तुम्हारे आगे गोल गोल क्या लटका हुआ है? देखा जाए तो ये एक ऐसा बेहुदा सवाल है जिसको सुनकर कोई भी लड़की गुस्से से लाल हो सकती है। लेकिन एक तेज दिमाग वाली लड़की इसका सही जवाब देगी कि मेरे गले में चैन और लॉकेट है और दीवार पर सामने एक घड़ी है। सवाल नंबर तीन, अगर मैं आपकी बहन के साथ भाग जाऊं तो आप क्या करोगे? हो सकता है कि ये सवाल सुनकर कई लोग गुस्से से तिल मिला जाएं और उनका इंटरव्यू बीच में ही छोड़ने का मन करे। लेकिन अगर दिमाग पर जोर डालें तो इसका सही जवाब होगा कि सर, मेरी बहन के लिए एक आईएएस या कहें आपसे अच्छा वर कोई और हो ही नहीं सकता। सवाल नंबर चार, आधे सेव की तरह क्या दिखता है? अब आप इसका कोई गलत मतलब बिल्कुल ना निकालें, क्योंकि इसका सही जवाब है दूसरा आधा सेव। सवाल नंबर पांच, आप सुबह उठें और आपको पता चले कि आप प्रेग्नेंट हैं, तो सबसे पहले आप क्या करेंगी? हो सकता है इसे सुनकर कोई भी लड़की इंटरव्यू लेने वाले को तमाचा मारने का मन करे। लेकिन इसका गलत अर्थ ना निकालें, इसका सही जवाब है कि मैं खुश हो जाऊंगी और सबसे पहले जाकर अपने पति को ये खबर सुनाऊंगी। सवाल नंबर छह, इंटरव्यूअर ने कॉफी और टी मंगाई, कॉफी का कप कैंडिडेट के सामने रखकर पूछा, व्हाट इज बिफोर यू? कैंडिडेट ने कॉफी के बजाय टी कहा और वो चुन लिया गया। आप बता सकते हैं क्यों? क्योंकि इंटरव्यूअर ने पूछा था यू यानी अल्फाबेट के पहले क्या आता है, तो यू के पहले अल्फाबेट टी आता है। सवाल नंबर सात, आप किसी जिले के डीएम हैं और आपको अचानक से खबर मिलती है कि दो ट्रेन आपस में टकरा गई, तो सबसे पहले आप क्या करोगे या आपका क्या रिएक्शन होगा? इस सवाल में कोई कहता है कि पुलिस को बुलाएंगे, कोई कहता है कि एम्बुलेंस बुलाएंगे, कोई कुछ और कहता है। लेकिन सिलेक्शन तो उसी का होगा जो सबसे पहले ये कहेगा कि मैं पहले ये पता लगाऊंगा कि वो मालगाड़ी थी या सवारी गाड़ी, फिर आगे एक्शन लूंगा। सवाल नंबर आठ, जहां तक मेरा ख्याल है कि ये सवाल कैंडिडेट के गुस्से और बुद्धिमत्ता को ध्यान में रखते हुए पूछा गया हो, कि जब आप 21 साल के हुए तब आपको पता चला कि आपकी माँ एक वेश्या यानी प्रोस्टिट्यूट थी, तो आपको कैसा महसूस होगा और आपका क्या रिएक्शन होगा? ये सवाल इतना कड़वा है कि कोई भी कैंडिडेट गुस्से से तिल मिला जाएगा और सोचेगा कि भाड़ में जाए ऐसी नौकरी। लेकिन यही सवाल आपके विवेक की परख करेगा कि मुश्किल हालातों में आप अपने आप पर संयम रख पाते हैं या नहीं। अगर आप में वाकई में आईएएस बनने का जुनून है और आप किसी भी सवाल का जवाब दे सकते हैं, तो इसका सही जवाब होगा कि सर, मुझे ये जानकर खुशी होगी कि मेरे पिता मेरी मम्मी के अकेले ग्राहक हों। दोस्तों, अब आप ईमानदारी से बताना कि आपको इन आठ सवालों में से कितने सवालों का सही सही जवाब पता था, कमेंट करके बताएं। अगर आपने इन सवालों का सही जवाब दिया तो मतलब आपके अंदर कुछ तो है जो आईएएस से मिलता जुलता है और आपको देश की सेवा के लिए आईएएस की फील्ड को चूज करना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार दोस्तों।